हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम जेस्ट में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ RRC ग्रुप डी 2019 के बारे में, जो पेपर हुआ नहीं कि लोग जो हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, वो कट ऑफ बनाना शुरू कर देते हैं। अभी तो एग्ज़ाम की डेट तक नहीं पता चली और कुछ मैंने देखा है कि कुछ यूट्यूबर्स RRC ग्रुप डी की कट ऑफ तक बताने लग गए हैं कि इस जोन की ये जाएगी, इसकी ये जाएगी, इसकी हो जाएगी। कैसे बता रहे हैं सब, कैसे। तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आप इनके बहकावे में ना आएं कि इस जोन की इतनी कट ऑफ जा रही है, इस जोन की इतनी कट ऑफ जा रही है। आप अपनी सिंपल मेहनत करते रहें और जितना आपसे हो सकता उतनी मेहनत करें। आप एग्ज़ाम के क्लियर होने पे, ना क्लियर होने पे, कट ऑफ उस जोन की ज़्यादा है जहाँ से आपने भरा है, उसमें वैकेंसी बहुत कम है या उसमें वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, पढ़ने वाले बच्चे अच्छे हैं, कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, ज़्यादा लोगों ने फॉर्म भरा है, इन सब चीज़ों के बारे में आप ना सोचें। आपका काम है सिर्फ पढ़ना, पढ़ना, पढ़ना। पढ़ने से क्या होगा कि आपकी जो मोटिवेशन है, आपका जो दिमाग है, उससे कॉन्फिडेंस मिलेगा। और कॉन्फिडेंस मिलने के लिए जो ज़रूरी चीज़ है वो है मेहनत। अगर आप किसी चीज़ को 10 बार करते हैं या 20 बार करते हैं तो आप, अगर वो चीज़ एग्ज़ाम में आई तो आप उसे इजीली कर देंगे और आप बाहर आकर अपने दोस्तों को या अपने घर परिवार वालों को ये बताएंगे कि पेपर बहुत आसान आया था। लेकिन वहीं अगर कोई दूसरा कैंडिडेट किसी चीज़ को नहीं करता है और वो चीज़ उसे एग्ज़ाम में मिलती है, तो वो घर आकर या अपने दोस्तों को क्या बताएगा कि एग्ज़ाम जो है वो बहुत डिफ़िकल्ट आया था, आउट ऑफ सिलेबस आया था, ये आया था, वो आया था। उसके रिव्यू पे फिर कट ऑफ बना दी जाएगी कि ये कट ऑफ जाएगी, वो कट ऑफ जाएगी। कट ऑफ वो आदमी बता सकता है, वो इंसान डिक्लेयर कर सकता है कट ऑफ जो उस पेपर को दे के आया है, वो भी उसी दिन की। लेकिन अगर आप मेरी बात माने तो कट ऑफ सिर्फ वही आदमी बता सकता है, वही डिपार्टमेंट बता सकता है जो वैकेंसी ऑर्गेनाइज करा सकता है। जैसे कि ये RRC वालों की है, RRB वालों की है, तो वही बता सकते हैं कि हम कट ऑफ कितनी रखेंगे, कितनी नहीं रखेंगे, कितनी जा सकती है, कितनी नहीं जा सकती। जो भी कोई YouTube पर या मैं या आप बता रहे हैं, वो सिर्फ एक पिछले डाटा को लेकर बता रहे हैं कि इतनी जा सकती है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि उतनी जाएगी, उससे ज़्यादा भी जा सकती है, हो सकता है कि उससे कम ही चली जाए, जितनी वो बता रहे हैं उससे आधी चली जाए। लेकिन जितने फॉर्म फिल हुए हैं, जितनी क्वांटिटी में फॉर्म फिल किए गए हैं, उस क्वांटिटी को देखते हुए कट ऑफ हाई जाने वाली है। लेकिन ये नहीं है कि 100 नंबर का पेपर हुआ तो 99 कट ऑफ चली जाएगी, 100 चली जाएगी, ऐसा नहीं है। कट ऑफ का एक क्राइटेरिया होता है कि किसी शिफ्ट में किसके ज़्यादा नंबर आए हैं, किसके कम आए हैं, एवरेज मार्क्स क्या आ रहा है, नॉर्मलाइजेशन कितना देना है, कौन सी जोन हार्ड थी, कौन सी शिफ्ट हार्ड थी, सॉरी माफ़ कीजिए, कौन सी शिफ्ट हार्ड थी, किसको कितना टाइम मिला है। जो लास्ट वाले होते हैं उनका, जो लास्ट वीक में या जो लास्ट मंथ में पेपर होते हैं या लास्ट डेज में पेपर होते हैं, उनकी जो पेपर होता है, उनका जो पेपर होता है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट बनाया जाता है। क्योंकि एक तो उन्हें टाइम मिल जाता है स्टडी के लिए, और वो जो पहले जो पेपर लिए जा चुके हैं वो उन पेपर के पैटर्न को देखकर ये समझ जाते हैं कि कौन कौन से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ रहे हैं। एग्ज़ाम्पल से समझिए, जैसे कि अगर मेरा पेपर जो था, मेरा एग्ज़ाम जो हुआ है वो किसी महीने की 1 तारीख को हुआ और आपका उसी महीने की 15 तारीख को हुआ, तो आप 15 दिन के एग्ज़ाम देख देख कर ये पता चला लेंगे कि किस टॉपिक में से क्या क्वेश्चन आ रहा है, किस टॉपिक में से क्या क्वेश्चन नहीं आ रहा है, कितना डिफ़िकल्ट लेवल है। क्योंकि एग्ज़ाम जो होते हैं वो ऑनलाइन होते हैं आज का ज़्यादातर, और बहुत सारे बच्चे जो हैं बाहर आकर बता देते हैं कि ये क्वेश्चन आए थे, इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन आए थे। तो जो यूट्यूब वाले हैं वो बता देते हैं कि ये क्वेश्चन आया था, इसे आप पढ़ लीजिए। तो लास्ट के शिफ्ट में RRB हो या SSC हो, सभी ऐसा करते हैं कि उन शिफ्ट के पैटर्न को
कुछ चेंज कर देते हैं जो लास्ट में होने वाली है। जैसे कि अगर देखा जाए तो एसएससी ने या आरआरबी ने मान लीजिए कि शुरू के 5 दिन एग्ज़ाम स्टार्ट किया और एक क्वेश्चन सब शिफ्ट में रखा। जैसे कि मैं आपको एग्ज़ाम्पल देकर बताता हूँ कि सब एग्ज़ाम में सब शिफ्टों में एक क्वेश्चन आया कि उस राज्य का राज्यपाल कौन है या उस राज्य का मुख्यमंत्री कौन है। आने वाले 5 दिन के बाद ये क्वेश्चन नहीं आएगा। आने वाले 5 दिन के बाद जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा तो राज्य से ही, लेकिन वो बनेगा राज्य की किसी और निर्देशक हो या किसी और डिटेल से या किसी और टॉपिक पर, लेकिन बनेगा राज्य से ही। ज़रूरी नहीं है कि वो मुख्यमंत्री से ही आए। इसीलिए जो लास्ट वाले होते हैं उनकी कट ऑफ थोड़ी सी हाई चली जाती है, ज़्यादा हाई नहीं जाती, थोड़ी सी हाई चली जाती है। उनको नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा मिल जाता है क्योंकि उनका जो पेपर था वो हार्ड माना जाता है, ज़्यादातर यही देखा गया है। तो मैं आपको फिर से एक बार यही कहना चाहूँगा कि आप किसी की बातों पे कट ऑफ पे अभी तो ध्यान ना दें। अगर एग्ज़ाम हो जाता है, कंडक्ट हो जाता है, उसके बाद आप कट ऑफ्स की वीडियो देख सकते हैं, लेकिन अभी आप कट ऑफ्स की वीडियो ना देखें बिल्कुल भी। इसके अंदर जो सिलेबस रखा गया है मैं आपको एक बार बता देता हूँ। जो मैथ है आपका, यानी कि जो एप्टीट्यूड है, वो 25 नंबर का पूछा जाएगा, 25 मार्क्स का, और 25 ही उसके अंदर क्वेश्चन होंगे। जो जर्नल साइंस है उसमें भी 25 क्वेश्चन होंगे, 25 मार्क्स के होंगे। जर्नल अवेयरनेस और करंट अफेयर जो है वो भी, वो 20 मार्क्स का होगा, उसके अंदर 20 क्वेश्चन होंगे। और जो जनरल रीजनिंग है वो 30 मार्क्स की होगी, उसमें 30 क्वेश्चन होंगे। और इस पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको 90 मिनट दिए जाएंगे, यानी 1.5 घंटा। तो आप इसे प्रिपेयर करने के लिए, जनरल साइंस के लिए आप 8 to 12, 8वीं से 12वीं क्लास तक की साइंस की किताबें पढ़ सकते हैं। और मैथ के लिए तो आप कोई सी भी आरएस अग्रवाल लो या कोई भी ले लो आपकी जो अच्छा है, लेकिन आप सारे टॉपिक इससे पढ़ लीजिए। और रीजनिंग के लिए आप कोई भी बुक ले सकते हैं। और जनरल अवेयरनेस के लिए आपको सब चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, जैसे कि स्पोर्ट्स हुआ, लोक नृत्य हुए, टेक्नोलॉजी में क्या डेवलपमेंट हुआ है, किस देश ने हमारे साथ क्या समझौता किया है, ये सब आपको पढ़ना पड़ा। इतिहास, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल अर्थशास्त्र, आपको इसके अंदर सब पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए। बेल आइकन दबाने से यह होगा कि अगर मैं आने वाले समय में कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। थैंक यू।